और वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 में हमने जो जनता से वादा किया है उसे पूरा करना जरूरी है। अपराधी खुले में बिहार में घूम रहे थे, उसे ठीक करने की आवश्यकता है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खेला तो होगा ही और तेजस्वी यादव को खिलौना भी देंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनी है, जल्द सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी मौजूद हैं, मुखर आवाज हैं, बेवाकी से अपनी बातों को रखते हैं। ये बताइए कि आप बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उप मुख्यमंत्री बने हैं, किस तरीके से बिहार के चाहत है जो आप लोग लगातार कह रहे थे कि जो बिहार बदहाल है उसको बेहतर निकाल के रखेंगे, आप कैसे करेंगे? देखिए, हमारा कमिटमेंट है 2020 में जनता से जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट पूरे करने, लेकिन जो बीच में अपराधी लोग घूम रहे थे ना सड़क पर, उसका इलाज करना जरूरी है। और ये बालू माफिया किससे जुड़ा हुआ है पूरा बिहार जानता है, उसके घर में घुसकर उसको निकालने का काम किया जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जा सकता। और ये आजकल तेजस्वी यादव बोल रहे हैं खेला होगा, ये खेला तो बच्चे के साथ खेला होगा ही, उनको खिलौना भी दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए, गठबंधन तो हो गया है, जेडीयू आपके साथ आ गई है, लेकिन जो 2019 में लोकसभा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में जो सीटों का तालमेल हुआ था, 17-17-6 का फॉर्मूला था, तो उस समय बीजेपी जेडीयू और साथ में एक सेकंड और दूसरा, ये केंद्रीय नेतृत्व इसमें तय करते हैं और इसमें कमेटी है हमारी है, वो तय करेंगे। तो ये सम्राट चौधरी थे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए जो खेला होने की बात कही जा रही है वो बिल्कुल खेला होगा और हम लोग खिलौना का भी तैयारी में रखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप शर्मा के साथ आमिर चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।